अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम मुर्तजा डहर है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। हेलो। हाँ जी, हाँ जी आसिफ भाई, प्रिपरेशन के दौरान सोशल मीडिया का कैसा इस्तेमाल होना चाहिए? पॉजिटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्रिपरेशन के दौरान। सोशल मीडिया का यार, सोशल मीडिया एक तो जनरली सोशल मीडिया पे बहुत सारी बकवास भी होती है, आजकल तो कुछ ज्यादा हो गई है। फेसबुक डीएक्टिवेट कर देना एक अच्छी ऑप्शन है, सिर्फ सीएसएस के लिए नहीं, शायद जनरली भी। उसके अलावा मेरे ख्याल है ट्विटर बड़ा इसमें बड़ा एक अच्छा मुस्बत किरदार अदा कर सकता है सीएसएस की तैयारी में। मैंने बेसिकली ये किया था कि बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं इंटरनेशनल, बहुत सारे मैगजीन्स के हैंडल्स, इनको मैंने बहुत फॉलो किया था, तो इन पे जो है आपको कई व्यूज मिल जाते हैं, बहुत सारे आर्टिकल ये शेयर करते हैं। इस तरह से जो भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आपको जिधर भी कोई मिले इस तरह के, तो ये ट्विटर पे रहना मेरे ख्याल है काफी करामत साबित होता है इसके लिए। सही। जस्ट आपको जनरल ट्विटर पे अच्छी इन्फॉर्मेशन, आजकल शायद इतनी नहीं लेकिन पहले ट्विटर पे काफी बेहतर था, लेकिन जनरली अभी भी जर्नलिस्ट और ये सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स, लोकल भी सब कुछ वहाँ बनने जाता है, तो सोशल मीडिया पे ये अच्छा। और आप सोशल मीडिया पे पढ़ते हुए आपको इतना मुश्किल काम लगता नहीं है, शायद किताब खोल के पढ़ना ज्यादा हार्ड वर्क है, इंस्टाग्राम के आप सोशल मीडिया पर जाओ, ट्विटर पर लॉग इन करो, स्क्रॉल करते हुए कुछ चलते फिरते सही। पढ़ लो, तो ये अच्छा है कि आपकी उसमें जो है वो बाय द वे तैयारी बेहतर हो जाती है, तो ट्विटर का यूज मेरे ख्याल होना चाहिए। ठीक। और आसिफ भाई, ये स्मार्ट स्टडी वर्सेस हार्ड स्टडी, इसका बड़ा मिसाल दिया जाता है कि स्मार्ट स्टडी करो, तो ये स्मार्ट स्टडी क्या भला है? एक अनाउंसमेंट, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के कंबाइंड ऑनलाइन सेशन के नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन जारी है। टॉप राइट कॉर्नर में जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पर रब्ता करें, अपनी सीट रिजर्व करवाएं। इस ऑनलाइन सेशन में ना सिर्फ 6 वीक्स में आपके करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का पूरा सिलेबस कवर होता है, बल्कि आपके आंसर्स को भी इवेल्यूएट किया जाता है। आपको बताया जाता है कि किस तरह इफिशिएंट तरीके से हाई स्कोरिंग जवाब लिखा जाए, और कोर्स के आखिर में एफपीएससी के पैटर्न पे एक मॉक पेपर भी आपका कंडक्ट किया जाएगा, जिसे आप एग्जाम की उस ड्रिल से गुजरने का भी एक्सपीरियंस कर लें। यार स्मार्ट स्टडी बेसिकली एक जुगाड़ लगाने वाली बात है, लेकिन जो कि शायद थोड़ी जरूरी भी होती है एग्जाम के लिए। वही जो बात मैंने अभी पहले की कि जो लोग 100% तैयारी करना चाहते हैं उनकी कभी पूरी होती नहीं है, तो स्मार्ट स्टडी बेसिकली यही है कि आप देखो कि आप हर टॉपिक पे आपको कितना पढ़ने की जरूरत है उस पर बात करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से है कि आप हर चीज़ की इनडेप्थ नहीं जाते, कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि बहुत अनइम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादा आप थोड़ा बहुत कंपेयर करते हो पास्ट पेपर्स के साथ भी, पास्ट पेपर्स में आप देख के आपको आइडिया हो जाता है कि किस किस्म के सवाल पूछे जा रहे हैं और किस किस्म के टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, उससे ये सब मेरे ख्याल से स्मार्ट स्टडी का हिस्सा है कि आपको पता हो कि आपने क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। इंस्टेड कि आप सिलेबस के एक टॉपिक उठा लो और बस उस पर आप मतलब परफेक्ट बनने की कोशिश करो, तो मेरा ख्याल है ये स्मार्ट, यानी एग्जाम के हिसाब से टॉपिक तैयार कर लिया तो ये स्मार्ट है, स्कॉलर बनने की कोशिश की तो फिर तो अपना टाइम जाया करना है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए बंदा पढ़े, इतना हो कि बंदे को मतलब रिगार्डलेस ऑफ द एग्जाम भी कोई टॉपिक उठाते हुए बंदे को ये पता हो कि वो उस पर इफेक्टिवली बात कर सकता है, ना सिर्फ एग्जाम में बल्कि जनरली, वो नॉलेज गेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि एग्जाम में मैं इसको भी कोट करूंगा, मैं ये वाली साइटेशन भी दे दूँ और मैं इतना ज़्यादा मुझे पता हो और हर छोटी मोटी बात का पता हो, वो मेरे ख्याल है इम्पॉसिबल, मुश्किल। ठीक हो गया। टॉप राइट कॉर्नर पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और नेक्स्ट बैच में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अल्लाह हाफिज़।